नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं जनता जाना चाहती है द सुनामी पर। और आज मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। काफ़ी दिनों बाद आज यहां की तस्वीरें मैं आज आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, खबरों में थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है किसान आंदोलन। ना आई आप टीवी चैनल्स पर देखेंगे, पहले तो थोड़ा बहुत कुछ आता भी था लेकिन अब वो भी आना बंद हो गया है। और ना ही आप अखबारों में इसकी खबरें देखेंगे। कभी कभार कुछ बयान जो होते हैं तो थोड़ी बहुत खबरें आ जाती हैं, लेकिन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, जो तीन मुख्य बॉर्डर हैं, इसमें क्या हो रहा है आपको खबरें पता नहीं चलेंगी। मेरे साथ मौजूद हैं जयदीप मलिक। इनकी आपने काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर भी देखी होंगी और तमाम यूट्यूब चैनल पर आपने इनकी तस्वीरें देखी होंगी, इनके विचारों को सुना होगा। युवा हैं, क्रांतिकारी हैं और थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं क्योंकि काफ़ी सारी परेशानियों का सामना इन्होंने भी किया है इतनी कम उम्र में। और जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से आंदोलन में साथ में हैं, किसानों के साथ हैं और लगातार उनकी बात उठा रहे हैं। सर, युवा हैं तो पहला सवाल सर यही कि और भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, आंदोलन में इतना लंबा समय आपने दिया, आगे की क्या तैयारी है आंदोलन के बाद की? आंदोलन के बाद की तो बाद में बताऊँगा। आपने बोला युवा है और भी समस्याएँ होंगी, घर भी बैठ सकते हो, गरीब घर से आते हैं और मैं अकेला नहीं आता, देश जंगल है, पूरा देश जंगल है, क्योंकि कुछ हाथों में है, कुछ गिने चुने हाथ है, उसी उन्हीं हाथों में देश चलता है। सरकारें तो कठपुतली हैं पूंजीपतियों की। तो जो आज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक हालात इस देश में बन चुके हैं, वो ये बोलते हैं कि सड़क पर आना पड़ेगा, देश को कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पर तो सर 6 महीने हो गए, 6.5 महीने हो गए बैठे बैठे, तो फिर क्या करें, समाधान है कोई और? सड़क पर ना बैठने के सिवा कोई समाधान हो तो बता दो, प्रोटेस्ट जता सकते ना। यहाँ हम बैठे हैं, कम से कम नोटिस तो हो रहा है, इस बात को आप तो डिनाई नहीं कर सकते। कम से कम कौन नोटिस कर रहा है सर? अभी मेरे से ही कुछ लोग मिलते हैं, पूछते हैं आंदोलन अभी भी चल रहा है क्या, लोग बैठे हैं क्या अभी वहाँ पे? सर ऐसे लोगों को पता तक नहीं है। हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं, लोगों को पता नहीं आंदोलन चल रहा है, आगे रास्ता बंद है, गाड़ियाँ लेके चले जाते हैं आगे। ऐसे भी लोग हैं सर, नहीं मालूम है कई लोगों को आंदोलन चल, पता चल जाएगा जब उनके झोपड़े जलेंगे ना, जब उनके घर में आग लगेगी, जब उनके बच्चे मरेंगे, उनकी माताएं बहनें, उनके साथ गलत होगा ना, अत्याचार होगा, दमन होगा, तब उनको पता चलेगा आंदोलन चल रहा है या ख़त्म हो गया है। ऐसे लोगों के लिए सीख है आंदोलन, उन्हें पता भी नहीं है कि तू गुलाम बना लिया है। लोगों का बात क्या होता है कि समाधान होता है समस्या का, जब समस्या का पता हो लोगों को। आज लोगों को समस्या का पता भी नहीं है, समाधान तो बाद में होगा। कैसे पता लोगों बताया जाएगा ना आंदोलन क्या होता है? कोई बड़ा आंदोलन उठा के देख लो आप, एक मैसेज आता समाज में कि आपके साथ गलत हो रहा है और सड़कों पे आ जाओ। कोई भी गलत होता है, मतलब उदाहरण के लिए कानून, आपके लिए कानून बन रहे हैं, इसी की बात करते हैं ना, तो आपसे डिस्कस होगा, आपसे बात होगी। आप अपना घर बनाते हो, आपकी पूरी फैमिली डिस्कस करती बैठ के, कहाँ क्या होगा, कैसे होगा, कितना खर्चा पानी है, पूरा बजट डिस्कस हो जाए सारी चीज़ें। ये हमारी लाइफ का डिसीजन, ये कैसे ले लेंगे? हमने नुमाइंदे भेजे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वोट हमारी लेके गए हैं, लेकिन अब सोच है वहाँ जाने के बाद हमारी बात नहीं कर रहे। तो क्या बदलाव की तैयारी है फिर? बिल्कुल बदलाव की तैयारी है। अगर आज भी आंखें नहीं खुले ना इन लोगों की, जो आप बोल रहे हैं ना कि पता नहीं उनको आंदोलन चल रहा है, खुल जाएंगे थोड़े दिन में, क्योंकि युवा देश है, रोजगार चाहिए। आप और मैं क्या हूँ, मुझे क्या राजनीति करनी है, मेरे नाम के पीछे क्या गांधी लिखा है या अंबानी लिखा है, मेरे पास क्या है? कोई जानता है? कोई संगठन ज्वाइन कर रखा है? इंडिपेंडेंट हैं लेकिन आवाज़ उठा रहे हैं। ये आवाज़ ही समाधान करेगी। अंबेडकर जी ने कहा था कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, शिक्षित करो, संगठित करो और एसर्ट करो, दावा करो अपने अधिकारों का, आपके साथ जो गलत हो रहा है। तो सर बदलाव की तैयारी है तो क्योंकि अगले साल कई तीन बड़े राज्यों में चुनाव हैं, जो पांच, ऐसे तो पांच राज्यों में चुनाव हैं लेकिन पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तो क्या तैयारी है सर? क्योंकि कई लोगों से अभी भी पूछने के बाद, अगर मैं ये आपसे भी सवाल करता हूँ कि अगर आज कानून वापस हो जाए या अगले 10 दिन में कानून वापसी हो जाए, MSP पर कानून आपको गारंटेड लिखित में दे दिया जाए, MSP पर कानून बना दिया जाए, तो भी क्या आप BJP का बदलने का नारा लगाएंगे या फिर दोबारा वोट BJP को जाएगा? उसकी बाद में बात होगी, पहले तो बात आप सुनो MSP की, किस तरह का MSP चाहते हैं। ये करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, C2+50 पे, जो C2+50 पे होगा तो मिनिमम होगा ना, वो ये तो माइक्रो है,
मिनिमम तो कम न्यूनतम होता है, माइक्रो तो बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है, ये तो A2+FL में दे रहे हैं और वो MSP समाधान नहीं है जिसकी ये बात कर रहे हैं। क्यों नहीं बता दूं आपको, क्योंकि 85% किसान ऐसे हैं जो समान मार्जिन लाए, 5 एकड़ से कम ज़मीन है। एवरेज इंडिया की निकालोगे तो 2 एकड़ के आसपास ज़मीन है लोगों की, 1.5 एकड़ के आसपास। उस ज़मीन पे सिर्फ इतना हो सकता है कि आप अपना गुजारा कर सको, गुजर बसर कर सको, बेचने के लिए नहीं, सरप्लस नहीं होता तो उससे क्या वो समाधान है क्या? खेती में कितनी समस्याएं हैं, फर्टिलिटी रेट डाउन है, खेती में मार्जिनलाइजेशन हो गया, बताया मैंने आपको डाटा, उसका डाइवर्सिफिकेशन करना है, लोगों को पता नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये काम करना था उनको, कर क्या दें, कम से कम मिल रहा था MSP जो भाव है उसको मिटा रहे हैं। मैं बोला ना कि जिस लोगों का समस्या का पता हो तो समाधान होता है, लोगों को समस्या का पता नहीं है। अब किसी से भी जा पूछ ले गाँव में, बोलेगा मैं गरीब हूँ इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मेरा बाप गरीब था इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, पढ़ नहीं पाया, उसको ये भी नहीं पता कि गरीब तुझे बनाया गया है। इस देश में टैक्स है, मान ले इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई आदमी देता है, आप भी देता, गरीब से गरीब आदमी देता है, जिसके पास जो झोपड़ी में रहता है वो भी देता है, अनाज दालें सब्जियां फल उस पर GST लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स को GST बोलते हैं। 2016 में 17 में पास हुआ था, आपको पता था GST का, तो हर आदमी टैक्स देता है, जो पैसा है वो तो वापस लगा नाम पे, कुछ अलग तो नहीं मांग रहे इंडिविजुअल, ना जेब में डाल रहा कोई सरकार की 50-50 हज़ार रुपये सैलरी दे रही है, टैक्स सब दे रहे हैं। सरकार को किस लिए बनाते हैं, हमारे लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, गलियां सड़कें बिजली पानी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां ये बनाएंगे, बनवा रहे हैं क्या, बनवा रहे हैं, जो स्टैंडर्ड देख लो आप, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ये तो मतलब आँखें खुलेंगी 35 साल के बाद खुलेंगी, आप देखते रहो ना, जब फौज होगी ना घर में, माँ बाप बच्चे 5-7 बच्चे होंगे और क्या हो रहा है, 10 आदमी खाने वाले कमाने वाला एक होगा, सैलरी कितनी होगी 5,000 रुपये, और ये तो पूंजीवाद और भी चरम पे जाता जाएगा। ये अर्बेनाइजेशन की बात करते हैं, अर्बेनाइजेशन क्या है, शहरीकरण क्या है, आप दिल्ली में जाके देख लो, कंजेशन में रहते हैं, झुग्गी झोपड़े में रहते हैं, पोल्यूशन है वहाँ पे, पानी भी पीने का अच्छा नहीं आता, लाइट भी नहीं आती, रहते तो दिल्ली में है, मेट्रो सिटी है, बिजली पानी भी नहीं उनके पास, क्यों नहीं है, गरीब हैं। तो आज का पूंजीवाद क्या चाहता है कि इन गरीब किसानों को, पूरे देश के मतलब पूरे देश की जनसंख्या, क्योंकि किसानों को इसलिए नाम ले रहा है क्योंकि 70% आबादी है, 90 करोड़ आदमी है, अगर ये सिमट करो बचा क्या, मजदूर कितने हैं, 20 करोड़ होंगे, मजदूर कहाँ से आते हैं, खेती से आते हैं, एग्रीकल्चर रिफ्यूजी जो होते हैं ना, एग्रीकल्चर की इकोनॉमी सस्टेन नहीं करती तब शहरों में आते हैं कि नौकरी करें कंपनियों में, कैसी नौकरी करते पता होगा आपको। तो ये क्या चाहते हैं कि इन सबको, इन 100 करोड़ लोगों को शहरों में लाया जाए, शहरीकरण बढ़ावा दिया जाए, और जो अंबानी है इनके चूल मची हुई है, अंबानी अंडाड़ी पूंजीपति, इनको क्या करना है कि अपनी रियासतें बसानी है। एक हरियाणा राज्य नहीं इतना बड़ा, एक अंबानी का राज्य होगा, एक अडानी का होगा, एक टाटा बिरला पेप्सी कोला ये चलेगा ना, हमें यहाँ पे इकट्ठा करके झुग्गी झोपड़े में रहोगे, हम मरेंगे सड़ेंगे बीमारियाँ होंगी। ये जो कोरोना चल रहा किसके कारण आया, इकोलॉजी के कारण आया है, क्लाइमेट चेंज का डिस्कशन करते हैं, ये जो इन्वायरमेंट के जो हालात बन चुके हैं, बक्सवा फॉरेस्ट का आपने ताज़ा उदाहरण सुना होगा, लाखों पेड़ काटे जाएंगे हीरे की खुदान के खुदाई के लिए। आप हीरा पहना कभी, देखा कभी, मैंने अपनी ज़िंदगी में हीरा नहीं देखा है, मैंने टीवी पे देखा होगा, समझ रहा है, तो हम हीरे पहनेंगे क्या, रोटी खरीदने के पैसे नहीं हमारे पास खाना खाने के लिए, कौन यूज करेंगे उसके, कारोबार करेंगे, हीरा व्यापारी बनेंगे हम, कहाँ जाएगा पैसा, ये पूंजीवाद है भाई समझो। और वो पेड़ कटेंगे तो भाई ऑक्सीजन देख लो आप, मारा मारी पड़े सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं, ये तो फ्री थी हुआ तो उसको खरीद रहे हैं, कौन खरीदेगा सिलेंडर, खरीद देख लो, मर रहे हैं गरीब, हॉस्पिटल में जाके दिखा दो आप, ये दिख रहा है, देख कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं खाली पड़ी हैं, ये खाली पड़ी हैं, सामने सड़क पर गरीब सो रहे हैं, ये विकास है। और आने वाले टाइम पर बोल रहे हैं पता नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया है, पता चलेगा उनको, और बता दूं मैं थोड़ा सा, आने वाले टाइम पे क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा, रोबोटिक्स का नाम सुना होगा, ना सुना तो फिर पढ़ना चाहिए आपको। तो बात क्या है कि रोबोटिक्स का जमाना आ गया है, रोबोट है ना जो वो काम करेंगे, आदमी की जगह वो काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैन मेड मतलब साइकी में डाला जाएगा, मतलब रोबोट्स के वो काम करेंगे, उन्हें चाबी भर के भेज देंगे, जो मशीन है तो चला रहे, ये मजदूर क्या कर रहे हैं, मशीन तो चला रहे हैं, मशीन तो सारा काम कर रही है फैक्ट्रियों में, आदमी तो कुछ कर नहीं रहा, मशीन चलाने के रखा हुआ उनको या सिक्योरिटी गार्ड के लिए, सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर में आज नौकरियां हैं, सिक्योरिटी गार्ड की डंडा लेके बैठा देते हैं, उसके पेट में रोटी और सिक्योरिटी के देगा किसी को, अब बता दो, गाड़ियों में से उतरते जो अट्टे कट्टे हैं नौजवान हैं उनकी सिक्योरिटी दे रहा है एक बूढ़ा आदमी जिसके पेट में रोटी नहीं है। तो सर यही तो सवाल, सुन लो मेरी बात, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि रोबोट्स का काम होगा मशीनों में, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में,
मशीनीकरण आ रहा है ना, तो आदमी की जरूरत पड़ेगी का, लेबर की जरूरत पड़ेगी। लेबर जाओ भाड़ में, लेबर को बिल्कुल अपने हालात पर छोड़ दिया जाएगा, उनका टैक्स लेंगे, इनको क्रेडिट देंगे, बैंक इनके हैं, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान आपने खबर सुनी होगी कि कॉरपोरेट घरानों को बोला कि आप अपना बैंक लगा सकते हो, कॉरपोरेट घरानों को बोला ये, तो हमें लोन देंगे क्या? उन्होंने किराए के पैसे दे दिए, 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर गए, वो तो उनके अपने थे, उन्हीं की कंपनी को उठाया उन मजदूरों ने, वर्कर ने, किराए के पैसे दिए, तो बस भी कुछ भी दिया हो तो पैदल पैदल गए थे, उनका बैंक होगा हमें लोन देंगे। हमारा बैंक है ना जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, वो सरकारी बैंक तो हमें दे नहीं रहे, वो देंगे। ऐसे लूटपाट होगा भाई साहब, ये वर्कर क्लास खत्म हो जाएगी, सड़कों पर सोने लगेंगे, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अभी लाइन पे लाना पड़ेगा समाज, इसको देश को लाइन पे कैसे आएगा, पूंजीवाद पे अटैक करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, बात से समस्या का पता चलेगा ना, बात बताने वाले है ही नहीं, नैरो इंटरेस्ट है, मेरा घर बस गया बाढ़ में जाए जनता, पता ही नहीं लोगों को, बिजी हैं। ऐसे किसान भी हैं, मेरी रिश्तेदारी में, मैं गाँव गया था 2 महीने पहले, मेरी रिश्तेदारी में आदमी है, वो मैं उसके साथ आया, वो बोला कि किसान आंदोलन कैसा चल रहा है, मैं बोला कि किसानों को देख, तो बोला मैं नहीं देखता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। वो खुद किसान है, वो खेती के कारण यहाँ दिल्ली में आया, नौकरी करता है, उसको ये नहीं पता है, तो और वो क्या क्या पड़ी है, अपना अपना देख रहे हैं सब, आग तो सबके घर में लग रही है ना, लाइन पर सब आएंगे, टाइम लगेगा, जब खुद के घर में आग लगे तब आएंगे, ये लोग सड़कों पर सोने लगे तब आएंगे। बहुत बड़ी बात सर आपने कही है, तो क्योंकि रोटी की बात आप कर रहे हैं कि सड़कों पर सोना पड़ेगा, रोटी खरीदने का पैसा नहीं है, तो शुरुआत से ये बात होती भी आ रही है कि ये रोटी का आंदोलन है, तो रोटी सर आप भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, और अंबानी जी भी खाते हैं, और मोदी भी खाते हैं, सभी लोग खा रहे हैं, बिना रोटी के नहीं चल रहा, बिना गेहूँ और बिना चावल के नहीं चलेगा, तो फिर वो सभी लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं आपके साथ अभी तक, 6 महीने का यह आंदोलन हो गया, वो सभी लोग अन्न खाने वाले सभी लोग क्यों अभी तक इस आंदोलन से जुड़ नहीं पाए? एक तो डर होता है, जो सरकारी जो नौकरी करने लगा वो सोचता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो, क्योंकि डरा रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है, फैसला अब खबर है 1 महीना पहले की, उसने बोला कि जो NSA यूज़ किया ना 120 बार यूपी सरकार में, उसमें से 100 बार गलत तरीके से यूज़ किया है, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में इंदिरा गांधी जी सरकार ने पास किया था, उसमें क्या बोला, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर रखा, जैसे जम्मू कश्मीर बंद कर रखा ना उन्होंने, क्या कि अगर ये खुला रहेगा तो दंगे करवा देगा, आवाज़ उठाना दंगा करवाना है देश में, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना दंगा करवाना है। ऐसे एडिशन के चार्ज लगाते हैं, यूपा के भीमा कोरेगांव के थ्रू दलित समाज के दो डाल रखे हैं ना, एक तो इतने पिछड़े थे बेचारे, कम से कम जो पढ़ा लिखा था, तो आवाज़ उठाने लगा था, उनको जेल में डाल दिया, इतने मतलब सदियों से गलत हुआ था उनके साथ, मतलब अत्याचार हुआ था, दमन हुआ था, प्रोसिक्यूशन हुआ था, आज भी हो रहा है, आप गाँव में जाके देख लो, आज शहरों में तो कुछ लिमिट है, मतलब शहरों में तो नहीं पता इतना ज़्यादा, लेकिन गाँव में आज भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है, बावजूद फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 17, उसके बारे में अनटचेबिलिटी के खिलाफ फंडामेंटल राइट बना रखा है, उसके बावजूद हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि लोग डर रहे हैं, तो लेकिन आप बोल रहे हैं निडर होकर, आप बोल रहे हैं तमाम चैनलों पर आपने बोला, तो कितने जयदीप हैं सर, और कितने जयदीप की ज़रूरत पड़ेगी सारी चीज़ें सुधारने में, क्रांति लाने में, कितने जयदीप की ज़रूरत पड़ेगी हमें? देख भाई, क्योंकि अकेले से तो नहीं होगा ये, आप भी जानते हैं, हम भी जान रहे हैं, दो चीज़ें हैं, एक तो मतलब वही है डरबाय की बात आ गई, अगर ऐसे मतलब चलता अकेला ही है क्रांतिकारी या कोई भी है, अरे कोई बड़ा तीर नहीं मारना, अंग्रेज नहीं है ये, बाहर वाले नहीं, हमारे देश की हैं, तख्ता पलट नहीं करना, समाधान चलना है ना, कोई नेता बनना है ना कुछ बड़ा हो चाहिए, मतलब पार्टी खड़ी करनी है करनी है, हमें सिर्फ हमारा हक दे दो और कुछ नहीं चाहिए, जो संविधान में लिखा ना उसी की बात कर लो आप, और चीज़ों को छोड़ो, जो समानता इक्वलिटी की बात की ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष दिला दो, समानता है समाज में, संविधान की बात कर लो और बड़ी बात नहीं है, तो वो चीज़ें तो हो ही नहीं रही है ना, क्योंकि अभी हाल ही में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने, खैर फटकार तो लगा ही, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह के अब वो समय आ चुका है कि राजद्रोह के ऊपर हम चर्चा करें कि किन मुद्दों पर राजद्रोह के चार्जेस लगने चाहिए, किन मुद्दों पर सेडिशन के चार्जेस लगने चाहिए, और विनोद दुआ का जो केस फाइल हुआ था वो भी हटाया गया उनके ऊपर से, उधर चीज़ें हुई, तो ये धीरे धीरे आप लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो हम पिछले बार देख रहे थे जब से NV रमन्ना चीफ जस्टिस बने हैं, कुछ फैसले ऐसे आए जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम चाह रहे थे कि ऐसे हों? बिल्कुल, जुडिशरी का नाम ही इंडिपेंडेंट है भाई, जुडिशरी इन चीज़ों से अलग है, सुप्रीम के बोलते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है,
एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदर हम भी करते हैं और गलत भी हो रहा है भाई, गलत भी कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। रंजन गोगोई राज्यसभा में क्यों बैठे हैं, उसके पक्ष में डिसीजन ले रहे हैं, गलत भी है ठीक भी है, मतलब बिल्कुल ही बात नहीं बिगड़ी है, 100% भी गलत नहीं है, 10% 15% 20% ठीक भी काम हो रहा है, बिल्कुल भी नाश नहीं हुआ है, मतलब हो जाएगा। लेकिन इस लाइन पर रही तो कितना साहिब उतर आए हैं, कोई सवाल पूछता नहीं बताना। एक तो आपने सेडिशन की बात की, उनकी कानूनों की बात की, ये तो होने नहीं चाहिए, ये तो कॉलोनियल हैंगओवर हमारा, उन्होंने पास किए थे कानून जो सेडिशन का है ना 124A इंडियन पेनल कोड का, वो अंग्रेजों के जमाने का है, सारे के सारे कानून इंडियन पेनल कोड इवन 1808 में पास हुआ तो अंग्रेजों का, सारी की सारी धारा वो अंग्रेजों के देके गए थे। रोलर टैक्ट क्या था, वो बोलने की आज़ादी पर पाबंदी लगाता था, उसके खिलाफ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके खिलाफ खड़े हुए थे, तो आज क्या हो रहा है, बोला दिया जा रहा है। तो ये देश को आना पड़ेगा, सोचने की बात है, कम शब्दों में मतलब शाम तक बोलते रहो, बात हुई है दो चार भाई, देश को समझ आना चाहिए, देश के युवाओं को, आपको अब जो देख रहे हैं कि आपका नंबर आएगा भाई, मैंने बोला ना कि 30-40 साल की उम्र हो जाएगी, 35-40 की, तब पता चलेगा कहाँ से कहाँ गए, अभी भी टाइम है, टाइम से सुधर जाओगे तो अच्छा अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार लोगे, गुलाम बन के क्या ज़िंदगी गुजारनी है, एक ही ज़िंदगी मिली है, कोई अगला जन्म नहीं है, ये फर्जी बातें हैं कि अगला जन्म होगा, 7 जन्म होंगे, स्वर्ग में जाएगा, ये सब बकवास है, ये चुतियाप्पा है, मैं गाली दे रहा हूँ लेकिन चुतियाप्पा है ये, इनको मुबारक जो ये कर रही हैं बातें, आप ले लेना ये 7 जन्म की पीढ़ियाँ, 500 साल जीना है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 80-100 साल की उम्र है, कहाँ लेके जाओगे पैसे को, खाली आ जाए आए थे, खाली आ जाना है, सब यहीं पर रह जाएगा, लड़ लो अपने हकों के लिए, आपको पता भी नहीं आपको गरीब बना दिया गया है, बोल रहा हूँ ना गांव में जाएंगे बोले कि मेरा बाप गरीब था इसलिए नहीं आगे बढ़ पाया, अरे गरीब बनाया गया तुझे, यूएसए वाले गरीब क्यों नहीं हैं, यूरोप वाले गरीब क्यों नहीं हैं, हम ही क्यों गरीब हैं, कारण क्या है, उन्होंने कुछ अलग कर दिया क्या, ये बात समझनी पड़ेगी आपको, आपको सड़क पर आना पड़ेगा, इनकलाब जिंदाबाद। कानून होने ही नहीं चाहिए, तो क्योंकि इस पर एक बहुत गंभीर चर्चा की ज़रूरत है कि सेडिशन के जो चार्जेस हैं वो लगने चाहिए, सेडिशन का कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो हेट स्पीच देते हैं जिनकी वजह से दंगे होते हैं, ये हमने देखा है कई बार कि जिन हेट स्पीच की वजह से दंगे होते हैं और उनके लिए ही सेडिशन के चार्जेस थे भी, तो फिर कहाँ पर ये लागू किया जाए कि सेडिशन के चार्जेस नहीं होने चाहिए या होने चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो उसको जेल में डाल लो ना, कौन मना कर रहा है, कोर्ट किस लिए बना, कोर्ट डिसाइड करेगी ना, सरकार क्यों डिसाइड कर रही है। तो ये कानून हटा देने से तो नहीं होगा ना, फिर हटा देने से नहीं, मैं बोला हूँ पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है जो, हमें भी तो आतंकवादी बोल रहे हैं, हमने किसका क्या कर दिया, हमने पत्ता भी तोड़ा तो बता दो आप, किसी को हाथ दिखाया तो 6 महीने आतंकवादी नहीं बोला, इनकी सरकार के मंत्रियों ने बोला है, वड़ुए बोला है। हाँ वही चीज़ तो समझने की ज़रूरत है कि किन चीज़ों पे सेडिशन के चार्जेस लगाए जाएं और किन बातों पे सेडिशन के चार्जेस नहीं लगने चाहिए, लेकिन क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि ये कानून जो अंग्रेज़ों ने बनाया है वो अभी तक क्यों चलता चला आ रहा है, जबकि अंग्रेज़ों ने इसको 2009 में अपने वहाँ से हटा दिया। भाई कानून इस देश में कैसे पास हो रहे हैं, कृषि कानून के बारे में देख लेता हूँ, हाथ उठा के पास हो रहे हैं, पार्लियामेंट का क्या नाम होता है, पार्लियामेंट होता है जहाँ पर डिबेट होता है, वहाँ पर MP होते हैं पूरे देश के, राज्यसभा में और लोकसभा में, वहाँ पे फील्ड के एक्सपर्ट भी होते हैं, नॉमिनेटेड भी होते हैं, जो आज स्वपन दास गुप्ता नॉमिनेट किया है फर्जी तरीके से, तो क्या है कि उसका पार्लियामेंट का नाम ही डिबेट है, वहाँ पे डिबेट होता है, सिलेक्ट कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटियाँ होती हैं, फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, एग्रीकल्चर की बात हो रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो IAS हैं या कृषि अर्थशास्त्री हैं उनकी एक्सपर्टीज ली जाती हैं, जब बात जाके कानून बनते हैं प्रॉपर डिस्कशन होता है, सालों की होती है, एक साल पहले कानून बिल को लोकसभा में पेश करने से पहले, एक साल पहले उसको प्रॉपर डिस्कशन होता है, रिसर्च होती है पूरी, वो कुछ भी नहीं हुआ, और ये सारी सरकारें हैं इसके लिए जिम्मेवार, अकेले ये नहीं, पहले भी इकोनॉमी को खोला किसी ने, दूसरी सरकार ने है, अब देख लो जितिन प्रसाद का आपने सुना होगा कल की बात है, तो ये क्या है कि कुछ है मतलब 8-10 हज़ार आदमी हैं, रहना इनको ही है, आज BJP की दुकान चल रही है तो उसमें है, कांग्रेस की हो तो उसमें है, हमें तुम्हें तैसे मरना है, क्योंकि सुन नहीं रहे ना लोग, सोच रहे यार मेरी कहाँ लड़ाई है, यहाँ भी आते हैं बहुत सारे किसान तो बेमतलब बैठे हैं। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन सर अब ये बन चुका है किसान आंदोलन, 6 महीने इतना लंबा आंदोलन मेरे ख्याल से आज़ाद भारत में हुआ नहीं, तो हमने कई आंदोलन देखे और कई आंदोलन से कई नेता निकल के आते हैं, क्या इस आंदोलन में भी उस चीज़ की तैयारी हो रही है, क्योंकि कोई इस आंदोलन के बाद हम देखें कि जयदीप एक बड़े नेता उभर के निकले। भाई ऐसा कुछ नहीं पता, बन जाए तो मैं तो अब ये मान लें कि अगर मेरे जैसा कोई नेता बन सकता है, तेरे आप जैसा कोई नेता बन सकता है, तो इस देश में डेमोक्रेसी जिंदा है, हमारा तो कोई अप्रोच नहीं है, ना गांधी लिखा नाम के पीछे, ना अंबानी लिखा है, ना पैसा किसी तरह का, इस देश में राजनीति कैसी होती सबको पता है, परिवारवाद जड़ में पैल चुका है, कितनी बातें हैं,
ये देश में आप देख लो ना क्या क्या किस कितनी चीज़ों के खिलाफ लड़ना है, पूंजीवाद, परिवारवाद, पाखंडवाद, कट्टरवाद, मनुवाद, सामंतवाद, साम्राज्यवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, इन चीज़ों के खिलाफ लड़ाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर तेरे मेरे जैसा आदमी आगे बढ़ रहा है तो इस देश में, इसी देश की रगों में डेमोक्रेसी जिंदा है, ऐसा होगा नहीं। और ना कोई नेता बनना है, वही बात है ना, हमें तो नौकरी लेने आए थे ना यार, नेता बनने भेजा था क्या? और दूसरी बात क्या है कि नेता बनने में दिक्कत क्या है, डेमोक्रेसी तो वही होता है, कोई गरीब से गरीब नेता बन सकता है, ये तो लोकतंत्र है ना, इसमें तो लिखा नहीं पैसे के नाम पे, पैसे से नेता बनता है, हालांकि पैसा ही नेतागिरी आज करोड़ा खर्चा होता है, रैली में 500-500 रुपये दे के एक दारू की बोतल दे के लाया जाता है, लाखों लोगों को कहाँ से लाओगे आप इतना पैसा? एक सरपंच का चुनाव लड़के देखो 20-30 लाख रुपये की तो दारू पिलानी पड़ती है, जहाँ पे 2000 वोट हैं, ये लाखों वोट हैं, इनको कैसे हैंडल करोगे? तो ये पूंजीवाद का खेल है सारा, ये कोई भी पार्टी हो या लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, ऊपर अप हो, डाउन हो, कोई भी हो, मतलब इनकी पूंजीपति वो हैं कि नहीं चुने हैं, वो सबको फंडिंग करते हैं। अब जो जिसकी फंडिंग करेगा उसकी पॉलिसी बनाएगा, जिसने आपको खड़ा किया है, आप पूंजीपति हो, मैं नेता बन रहा हूँ, आप मेरी फंडिंग करोगे तो मेरा दायित्व तो नहीं बनता कि आपको कुछ दूंगा बनने के बाद, यही हो रहा है देश में। दूसरी बात, नेता राजनीतियों को गंदी बताते हैं, ये राजनीति गंदी चीज़ है, इसमें मत आना। गंदी किसने बनाया है? गंदी किसने बनाया है? गंदी तो आपने बनाया है, आपने परिवारवाद फैलाया, आप ही राजनीति में बैठे हो। और तेरे मेरे जैसा गरीब घर का लोग लड़का बात करेगा, बोला राजनीति कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो फिर, आप बता दो ना। देखिए राजनीति में चिरफराज हो रहा है, नीति नहीं हो रही, चिरफराज की बात कर रहा हूँ, नीति तो है ही नहीं इनके पास। एक चीज़ और, आपने अभी बोला कि लाखों का खर्चा होता है, जो सरपंच के चुनाव होते हैं, प्रधानी के चुनाव होते हैं गांव में, विधायकी के चुनाव में कितना खर्चा होगा, और वो 500 रुपये दे के रैलियाँ में बुलाया जाता है, दारू दे के बुलाया जाता है, तो क्या सर वो शराब से चुनाव जीते जाएंगे या फिर विचारों में भी दम है? अभी वो बात रह गई है कि देश के लोग विचारों को भी समझ पा रहे हैं। ये तो चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज अ सिन। प्रिंसिपल क्या होता है? सिद्धांत, मोरलिटी, नैतिकता बची है। मैंने पहले नाम लिया भाई साहब का, कल वाले का, जितेंद्र प्रसाद का, अब तो ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस सेंटर टू लेफ्ट की मानी जाती है, मतलब बिल्कुल लेफ्ट, लेफ्ट कम्युनिज्म है, राइट वाले ये फर्जी हैं, तो अब वो फर्जी बन गया है। विचारधारा की लड़ाई होती है ना, आदमी का कोई विचार होता है, मैं भगत सिंह की बात का तो विचार है, वो समाजवाद, वो पार्टी से जुड़ा है वो या किसी से, आपकी विचारधारा कोई बची गया, पैसा विचारधारा है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, और क्या है, आप देख लो, उसके पास पैसे की कमी तो नहीं थी, नेता पहले भी रह चुका है, केंद्रीय मंत्री रह चुका है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुका है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लड़ता ना, सड़क पे आ जाता, सोशल एक्टिविस्ट बन जाता। तो फिर इसमें देश की जनता जो है वो भी विचारों को फिर नहीं समझ पा रही है, इसका मतलब पता ही नहीं है, एजुकेशन है ही नहीं। आप एक आदमी से जाके पूछ लो कि RSS की विचारधारा क्या है, कम्युनिज्म को आतंकवाद मानते हैं इस देश में, कम्युनिज्म को आतंकवाद मानते हैं कि कम्युनिस्ट है, 2 साल आतंकवादी होगा, चाइना का है। कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म बना कॉमन से, साझा, कॉमन का क्या मतलब, साझा सबका, आपका, मेरा, हम सबका, देशवासियों का, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी, आज क्या हो रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी, चला लोगे काम। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मैं 2013 में दिल्ली में आया था 12वीं करके, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, तो मैं गांव से आया, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरा, वहाँ से उतर के बाहर निकला, मैं ऑटो वाले से बोला मुझे धोलाकुआ जाना है, बोला कि 450 रुपये, दूसरे के पास गया 550 रुपये, तीसरे के पास गया बोला 600 रुपये, एक वाला आदमी खड़ा था वो बोला कि इस बस में चला जा 15 रुपये में जाएगी, मैं उस बस में 15 रुपये में धोलाकुआ गया। बस क्या है, पब्लिक, ऑटो वाला, प्राइवेट, चल जाएगा देश, इस देश में वही हो रहा है, लूट के खा जाएंगे भाई साहब, रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं। 10 रुपये में जब हरियाणा में जाते थे ना, मतलब 40-50 किलोमीटर की दूरी तय करते थे, वो 60-60 रुपये में, 100-100 रुपये में तय होगी, कहाँ खड़े होगे, खाओगे क्या? तो उसका भी तो तर्क दिया जाता है ना सर कि जो गंदगी अभी ट्रेनों में रहती है, हम देखते हैं भारतीय रेलवे में कैसी गंदगी रहती है, और डिलेज जो होते हैं ट्रेनों में, ट्रेनों के वो नहीं होंगे, सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी, वो आसमान से आएंगे कि प्राइवेट वाले, सरकार तो कुछ कर नहीं पा रही है, वो कर देंगे समाधान, समझ रहे हो बात की तर्क को, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो तक सर, अब हम दिल्ली मेट्रो की बात करें सर, साफ सफाई दिल्ली मेट्रो में अच्छी होती है, ये काम चोरी का उदाहरण है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का इशू है, ये मुद्दा है, वो उसको ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो गंदगी है, दिमाग में भी है, ट्रेन में भी है, क्योंकि पूरी तरीके से थोड़ी कर रहे हैं, पूरी तरीके से तो प्राइवेटाइज कर भी नहीं रहे,
पूरी तरीके वो कैसे करवाए? कुछ परसेंट चीजें तो धीरे धीरे शुरुआत होती है ना। बैंक 27 8 बज गए हैं,